नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। इससे पहले मैंने दो वीडियो राष्ट्रपति के ऊपर बनाकर डाले हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है आप उन वीडियो को देख लें। राष्ट्रपति से संबंधित अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों वो पहले दो वाले वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति के अधिकार, क्या क्या राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं जो हमारे संविधान में निर्मित है, तो उसे हम पढ़ेंगे डिटेल वाइज। लेकिन उससे पहले हम दो आर्टिकलों को यानी दो अनुच्छेदों को समझ लेते हैं। एक है अनुच्छेद 70, क्योंकि ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है इसलिए इसमें भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों आर्टिकल 70 ये कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, मतलब कोई अगर इस तरह की स्थिति आ गई है कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब क्या होगा। तो दोस्तों आर्टिकल 70 ये शक्ति संसद को देता है। किसको देता है? संसद को देता है, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों को निर्वहन करने की जो शक्ति है दोस्तों वो किसके साथ, वो किसके पास है? वो संसद के पास है। संसद जैसा उचित समझे वैसा नियम बना सकती है। इसलिए दोस्तों संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, ये अधिनियम आप याद रखना, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में दोस्तों ये अधिनियम बनाया, जिसके अंतर्गत ये उपाय किया गया संसद के द्वारा कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तब तो नॉर्मल उपराष्ट्रपति उसका पद ग्रहण ही कर लेता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं दोस्तों पिछली दोनों वीडियो में, ठीक है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, तब संसद ने ये एक्ट बनाया, अधिनियम, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। इसके अंतर्गत ये समझाया गया कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उस समय मौजूद, वही राष्ट्रपति के कृत्यों को, उसके कार्यों को निर्वहन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये शक्ति अनुच्छेद 70 संसद को देता है कि वो जैसा चाहे वैसा नियम बना सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बनाया है ना, जिसके तहत अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं है तो उसी न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय उपस्थित हों। फिर एक अनुच्छेद दोस्तों 71 जो मैंने आपको कल भी बताया था, इसमें ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इनके चुनाव में अगर कोई दिक्कत है ना, तो इनके चुनाव में अगर कोई विवाद है तो ये सारे मसले सुप्रीम कोर्ट में निपटाए जाएंगे। ये बात आर्टिकल 71 में है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो विवाद है ना वो सुप्रीम कोर्ट में ही निपटारा होगा उसका। फिर दूसरी बात इसमें यह भी कह दी गई है दोस्तों कि अगर ये मान लिया जाता है बाद में कि चुनाव अवैध था तो भी दोस्तों उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ये बात किस में है? ये आर्टिकल 71 में। अब बढ़ते हैं दोस्तों जो आज की क्लास है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ या राष्ट्रपति के अधिकार, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं विस्तृत रूप से। तो दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां। आपको पता है दोस्तों राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का हिस्सा है, तो इसलिए हमने कार्यपालिका शुरू की थी और कार्यपालिका में हमने सबसे पहले राष्ट्रपति को शुरू किया था। तो कार्यपालिका शक्तियां, इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं दोस्तों वो है सबसे पहले नियुक्तियां। अब हम नियुक्तियों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें किस किस की नियुक्तियां राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह से दोस्तों ये करेंगे मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी दोस्तों राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। उसके बाद होता है दोस्तों राज्यपाल, यानी जितने भी राज्य होते हैं सबके राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद दोस्तों या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, फिर उसके बाद आता है जैसे कि महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और कैग है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं,
राष्ट्रपति महोदय करते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कुछ आयोग होते हैं, है ना। तो सबसे पहले चुनाव आयोग, मतलब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और सदस्य, इसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद, ये आर्टिकल 263 के अंतर्गत दोस्तों है, और इसकी जो गठन कर अंतर्राज्य परिषद का जो गठन करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं। और ये बात कौन से आर्टिकल में है? 263 में है। आज दोस्तों आपको ये अनुच्छेद आर्टिकल थोड़े से बिखरे बिखरे से दिखाई देंगे, क्योंकि हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं, इसलिए दोस्तों संविधान में अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है। लेकिन दोस्तों आप कन्फ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो हम एक ही बार में पढ़ लेंगे। तो अंतर्राज्य परिषद, फिर है दोस्तों वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन 280, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति कर सकते हैं। वित्त आयोग तो पूरा आयोग है, लेकिन इसके सदस्य और जो इसके मेंबर, मतलब जो मुख्य होते हैं, हेड होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब क्या क्या बचा दोस्तों? जैसे कि SC ST OBC आयोग, इन आयोग की जो गठन है, इन आयोग का जो गठन है वो भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। और अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो ये घोषणा भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो दोस्तों ये मुख्य नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती हैं, तो इन्हें आप उतार लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद दोस्तों आप इसमें एक बढ़ा सकते हैं कि राजनायिक की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और राजदूत की जो नियुक्ति है, जैसे कि अलग अलग देशों में हमारे राजदूत होते ही हैं, तो वो भी राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करते हैं। या फिर दूसरे देश का राजदूत अगर हमारे देश में आ रहा है तो इसकी परमिशन जो देते हैं दोस्तों वो भी राष्ट्रपति महोदय देते हैं। तो ये नियुक्तियों से संबंधित जितनी भी बातें थीं वो दोस्तों सारी कार्यपालिका शक्तियों में आ गई, और जितनी भी नियुक्तियां हैं जो ये बोर्ड पर लिखी हुई हैं सारी की सारी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब देखो, अब आते हैं दोस्तों विधायी शक्तियां। आप हेडिंग डालते चलें दोस्तों, सीधे सीधे ये ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछ ले जाते हैं। आपने देखा भी होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, या वित्त आयोग के हेड की नियुक्ति कौन करता है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की कौन करता है। तो इस तरीके के जो सवाल आते हैं ना दोस्तों, वो सारे यहीं से आते हैं। इसलिए मैंने जितना भी ये बिखराव है वो सारा का सारा समेट कर मैंने एक ही बार में आपको समझाने की कोशिश की है कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और उसी हिसाब से पढ़ें। विधायी शक्तियां में क्या क्या आ सकता है? देखो दोस्तों, संसद का सत्र आहूत करने की जो शक्ति होती है, संसद का सत्र आहूत करने की शक्ति, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप पेन और कॉपी लेकर के बैठें। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं संविधान या समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आप पूरा ही लिखें। मैं तो समय की पाबंदियों के कारण यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट लिखता हूँ, छोटा छोटा लिखता हूँ। तो संसद का सत्र आहूत करने, या फिर सत्रावसान करने, या फिर लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति होती है, और ये आर्टिकल 85 में है दोस्तों। ठीक है, संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति होती है। कई बार पूछा गया दोस्तों कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति कर सकता है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। फिर एक जो शक्ति है दोस्तों, बिल, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, विधेयक, कोई भी विधेयक हुआ दोस्तों, है ना। आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति हमारी संसद का अभिन्न अंग होता है ना। संसद के तीन स्तंभ होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अभिन्न अंग माना जाता है राष्ट्रपति महोदय को। क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों कोई भी बिल या कोई भी विधेयक वो तब तक पारित हो ही नहीं सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। क्या ना हो? हस्ताक्षर ना हो। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, एक बहुत ही पॉपुलर मूवी थी बाहुबली,
उसमें भल्लाल देव भी ये कहते हैं कि बाहु जब उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि आप अब तो राजा बन गए हो तो बाहुबली को मारने का हुक्म क्यों नहीं देते थे, आदेश क्यों ना दे सकते, तब उन्होंने एक बात कही थी कि ऑर्डर तो मैं दे दूं लेकिन उसको अमल में लाने की जो शक्ति है आज भी राजमाता के पास है। तो ठीक ठीक वैसा ही है, संसद में अगर कोई बिल या विधेयक पारित हुआ भी है तो वो तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति महोदय के उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। फिर दूसरी बात दोस्तों, कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले ही ली जानी आवश्यक होती है, यानी बिल पारित होने से पहले ही उन्हें हस्ताक्षर करने पड़ सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकती हैं दोस्तों वो स्थितियां, जैसे कि आपने देखा होगा नए राज्यों का गठन, नए राज्य आप नए राज्यों का इसके आगे से लिख लें गठन, उसके नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, अगर इस तरीके का कोई विधेयक पारित होना है, कोई बिल पारित होना है तो उस पर भी राष्ट्रपति महोदय की पहले ही हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे, ठीक पहली बात। फिर दूसरी बात, अगर संविधान संशोधन करना है, संविधान संशोधन करना है तब भी दोस्तों क्या होगा, तब भी क्या होगा कि राष्ट्रपति के पहले ही हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे संविधान संशोधन में, है ना दोस्तों। आपने देखा होगा आर्टिकल 266 के अंतर्गत संचित निधि के बारे में बताया गया है, तो संचित निधि में व्यय ये प्रक्रिया है दोस्तों 117 के 3 में, है ना, संचित निधि में व्यय, लेकिन संचित निधि 266 में है और संचित निधि में व्यय करने की जो शक्ति है 117 का तीसरा जो आर्टिकल है ना, तो ये भी राष्ट्रपति के पास होती है और इस पर भी पहले ही, इसे यहाँ पूर्व लिख लें, है ना, पूर्व हस्ताक्षर, पूर्व हस्ताक्षर कहाँ कहाँ चाहिए होते हैं। तो और फिर एक और बचा दोस्तों धन विधेयक, धन विधेयक ये आर्टिकल 110 में आता है। तो धन विधेयक, संचित निधि में व्यय, संविधान संशोधन या नए राज्यों का गठन या उनकी स्थापना, नामों में परिवर्तन या फिर उनकी सीमाओं में परिवर्तन, ये जो चार विकल्प हैं दोस्तों इन पर राष्ट्रपति महोदय को इन अध्यादेशों पर, इन विधेयकों पर पहले ही हस्ताक्षर करने होते हैं। तो ये थी दोस्तों विधायिक शक्तियाँ, है ना। अब इसमें और क्या क्या आ सकता है, इसमें और ये आ सकता है जैसे कि आपने देखा होगा एक अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है, क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा नीचा हो रहा है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो भी दोस्तों राष्ट्रपति के पास होती है और ये आर्टिकल 123 में है। अध्यादेश 1, 2, 3 से आप याद रख सकते हैं, ना, अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति, और किस आर्टिकल में है, 123 में है, ठीक। फिर दोस्तों संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक जो कि हमारे आर्टिकल में 108 में आती है, संयुक्त बैठक यानी दोनों सदनों की एक साथ बैठक को बोलते हैं संयुक्त बैठक। अगर ऐसी स्थिति आ जाए मनमुटाव की वजह से या किसी भी वजह से संयुक्त बैठक अगर बुलानी पड़ सकती है तो वो केवल राष्ट्रपति बुला सकते हैं, और ये कौन से आर्टिकल में है, 108 में है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है दोस्तों वो कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अब दोस्तों कुछ और शक्तियाँ होती हैं जैसे कि मनोनीत शक्ति, है ना, मनोनीत शक्ति आप जानते ही हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार दिया गया है कि वो एंग्लो इंडियन का क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। तो लोकसभा में कर सकते हैं 2 और राज्यसभा में कर सकते हैं 12। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये बात कौन से आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे 331 में है, और राज्यसभा में जो 12 एंग्लो इंडियन नियुक्ति करने की जो बात है वो किस आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे 80 के 3 में, जो आर्टिकल 80 है उसके 3 में राज्यसभा में, मतलब जैसे कला के आधार पर, समाज सेवा में, शांति में, साहित्य में, इस तरीके से 12 व्यक्ति मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, और ये बात है आर्टिकल 80 के 3 में, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों वित्तीय शक्तियों के ऊपर, यानी वित्तीय कौन कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति महोदय पर हो सकती हैं।
वित्तीय शक्तियाँ, आप हेडिंग डालते चलें और लिखते चलें। पढ़ो ऐसे दोस्तों कि पढ़ा सको, ऐसे पढ़ो कि जिंदगी भर याद हो जाए, है ना। किसी भी परीक्षा भवन में आप बैठे हैं जिसमें जीके से रिलेटिव क्वेश्चंस आते हैं और स्पेशली संविधान से अगर आते हैं, तो दोस्तों आप अगर मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको एहसास हो ही गया होगा जितना भी अभी तक पढ़ा है कि आप कोई भी क्वेश्चन तो छोड़ने वाले हैं नहीं, है ना। अगर आपने नहीं देखी है सारी वीडियो, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, पूरा वीडियो वहाँ से देख सकते हैं आप जितने भी अभी तक पढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों हमारा तरीका यही होता है कि पूरा सब्जेक्ट पूरा ही पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, आधा अधूरा उसको नहीं छोड़ते। तो वित्तीय शक्तियों में जैसे कि अभी हमने पढ़ा धन विधेयक, तो वो भी इसी में आ सकता है जो, लेकिन इस पर पूर्व हस्ताक्षर करने होते हैं ना, ये अमल में तभी आएगा जब राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, है ना। धन विधेयक हो गया, एक आपने सुना होगा आकस्मिक नीति होती है दोस्तों, एक आकस्मिक निधि जो किसी आपात उपबंध के समय में जो है उससे कुछ सहारा मिल जाए, तो ये 267 के अंतर्गत दोस्तों होती है। और इसका जो मतलब एक अधिकार होता है इस पर, वो कार्यपालिका का होता है, और कार्यपालिका का जो हेड होते हैं दोस्तों वो आपको पता है कौन होते हैं, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो एक तो ये हो गया, फिर दूसरी बात आपने देखा होगा दोस्तों वार्षिक वित्तीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा समझ के चलना, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के 112 आर्टिकल में आता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, प्रत्येक वर्ष संसद के पटल पर राष्ट्रपति महोदय उसके समक्ष रखवाएंगे, प्रस्तुत करवाएंगे 112 के तहत। अब ये वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है दोस्तों, इसको हम आम भाषा में कह देते हैं बजट। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में हुआ है या कहाँ हुआ है, तो आपका जवाब होगा बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बजट ये हमारा शब्द है, लेकिन अगर संवैधानिक भाषा में बात करें तो इसको कहते हैं वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक बजट को क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि 112 में है, और राष्ट्रपति महोदय इसको संसद के समक्ष रखवाते हैं, पेश करवाते हैं प्रत्येक वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इनकी वित्तीय शक्तियां। अब बढ़ते हैं आगे, वित्तीय शक्तियों के बाद देखते हैं हम इनकी न्यायिक शक्तियां, है ना। न्यायिक शक्तियों से भी आपके जो है सवाल पूछे जाते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा। न्यायिक शक्तियां बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हेडिंग बनाते जाएंगे वैसे वैसे अच्छे से याद होता चला जाएगा। कार्यपालिका की शक्तियाँ थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन आप पढ़ेंगे एक दो बार तो आराम से याद हो जाएगा। विधायी शक्तियाँ जो थी उसमें भी आप थोड़ा सा बड़ा मान सकते हैं, लेकिन उसको भी अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा। बाकी ये तो सब छोटे छोटे चल ही रहे हैं, जैसे कि अभी हमने वित्तीय शक्तियाँ देखी और न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ में क्या है दोस्तों, सबसे पहले आर्टिकल 72, इसमें है क्षमादान शक्तियाँ, क्षमादान शक्तियाँ, ठीक है दोस्तों। सजा को कम करने, सजा का रूप बदलने, ये सब शक्तियाँ जो होती हैं आर्टिकल 72 में होती हैं। आर्टिकल 72 को जाना जाता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। अब ये आपने देखा भी होगा, किसी को अगर फांसी हो जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो सर्वे सर्वा है हमारी न्यायिक व्यवस्था का, सर्वे सर्वा सुप्रीम कोर्ट ही है, अगर वहाँ से भी फांसी का ऑर्डर आ गया है, तब भी दोस्तों मुजरिम को जिस पर मुकदमा दर्ज है या जिसे सज़ा हो गई है, तो दोस्तों उसके पास भी अधिकार होता है कि वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाए। और राष्ट्रपति महोदय अगर इनकार कर देंगे कि इस व्यक्ति को फांसी नहीं होगी, तो दोस्तों पूरे भारत की कोई भी अदालत फिर उसको फांसी नहीं लगा सकती। तो क्षमादान शक्तियाँ जो हैं वो आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती हैं। फिर एक आर्टिकल और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, वो है तुम्हारा 143, ये क्या है दोस्तों, सलाह है, यानी राष्ट्रपति महोदय किसी विषय पर अगर सलाह लेना चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आमतौर पर सलाह मंत्री परिषद की सलाह से ही ली जाती है, उनके द्वारा ही राष्ट्रपति से कहा जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से सलाह लें, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा आप यही पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये दो बातें आप न्यायिक शक्तियों में याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं दोस्तों सैन्य शक्तियों पर। अब है दोस्तों इसकी सैन्य शक्तियां,
सैन्य शक्तियों में क्या क्या आ सकता है दोस्तों। सैन्य शक्तियों में जो आपको देखने को मिलेगा, पहली बात तो यही आपसे कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सर्वे सर्वा, तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी आप याद रखना, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, है ना, जैसे कि आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के जो सर्वे सर्वाध्यक्ष होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। या फिर दोस्तों युद्ध करना पड़ रहा है किसी देश से, तब भी दोस्तों इसकी घोषणा राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो नीतियाँ बनेंगी वो भी हमारी, या फिर किसी संधि के लिए जो नीतियाँ बनेंगी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो भी हमारी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बावजूद, यानी उनकी सलाह के बावजूद ही बनेंगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे पढ़ते हैं आपात शक्तियाँ। ठीक है, आपात शक्तियाँ दोस्तों, अभी तक कोशिश तो हमने ये की है कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो संविधान से आता हो और वो आपसे ना आता हो, तो ये कोशिश हमने कभी नहीं की। हमने तो हमेशा कोशिश यही की है कि आप परीक्षा भवन में जब भी बैठें, आपके सामने कोई भी सवाल आ जाए जो हमने पढ़ाया है, तो दोस्तों वो सबसे पहले आप करें, क्योंकि दोस्तों हम ये नहीं चाहते कि कम समय में ज़्यादा पढ़ा दें, है ना। ज़्यादा पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि हम कम समय में पूरा कर देंगे दोस्तों, जो सब्जेक्ट की डिमांड है जितने समय की, वो तो उतना समय उसमें लगेगा ही लगेगा। जैसे कि मैं आपको कल भी बता रहा था कि बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे एक घंटे में संविधान ख़त्म, है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों एक घंटे में, डेढ़ घंटे में ख़त्म नहीं होता है, आप भ्रम में ना पढ़ें। आप आराम से पढ़ें, निश्चित होकर पढ़ें, और ये ठान कर पढ़ें, विश्वास करके पढ़ें कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है बृजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर दोस्तों, वो पूर्ण पढ़ाया जा रहा है। आप कोई भी किताब उठाकर देख सकते हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई से एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, कुछ नहीं छोड़ा है दोस्तों। केवल आपके सिलेक्शन को लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, इसलिए मेहनत भी करते हैं। तो दोस्तों थोड़ी मेहनत आप भी करना, क्योंकि दोस्तों कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तभी मंजिल मिलती है। ठीक है दोस्तों, बृजेश सर ने मैथ की क्लासेस शुरू कर ही दी हैं, आप लोग उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट को आप कमज़ोर ना समझें, हर सब्जेक्ट के बराबर ही नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगर हाँ कोई डाउट्स आपके हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम पूर्ण समाधान करेंगे दोस्तों। तो चलिए आपात शक्तियाँ पढ़ लेते हैं। आपात शक्तियाँ दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपात, ये भी राष्ट्रपति की सलाह के बाद ही लगता है। फिर ये होता है, इसको हम राष्ट्रपति शासन कह देते हैं दोस्तों आम भाषा में, राष्ट्रपति शासन। और एक होता है दोस्तों वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपात किसी युद्ध के कारण आ सकता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण आ सकता है। ऐसा अब तक तीन बार हो चुका है दोस्तों। एक बार 1962 में जब पाकिस्तान से युद्ध चीन से युद्ध चल रहा था, उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, फिर उसके बाद 1975 में भी ये आपात लगाया गया था। कौन सा लगाया गया था? राष्ट्रीय आपात। 1962 में, 1971 में और 1975 में राष्ट्रपति शासन, ये दोस्तों जब लगाया जाता है, ये तो लगता ही रहता है, आमतौर पर आपने देखा होगा, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब उस राज्य की सरकार निरस्त हो जाती है और शासन जो है राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, और राष्ट्रपति आमतौर पर उस राज्य के राज्यपाल को ये अधिकार दे देते हैं। जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर वगैरह में देखा होगा, सतपाल मलिक को बना दिया गया था। तो इसलिए दोस्तों राष्ट्रपति शासन है ना, ये 356 में है, और ये जो अधिकार है ये भी राष्ट्रपति महोदय को होता है। लेकिन ये दोस्तों ये हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि आज तक वित्तीय आपात का सामना नहीं करना पड़ा है। यानी किसी राज्य क्षेत्र में अगर फाइनेंशली इतनी दिक्कत आ जाती है कि मतलब राज्य सरकार चलाना कठिन हो रहा है, संभव नहीं है, तब वहाँ पर वित्तीय आपात भी लगाया जा सकता है। और ये तीनों की तीनों पावर किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों वीटो शक्ति। आपने नाम सुना होगा, आज समझ भी लो, वीटो शक्ति ये अंतिम शक्ति है दोस्तों, है ना। वीटो शक्ति देखो, वीटो शक्ति में क्या है दोस्तों, इसका वर्णन आर्टिकल 111 में है।
इसमें यह कहा गया है कि कोई भी बिल, कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तब वो वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, दो कंडीशन हो सकती हैं राष्ट्रपति के पास। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि कोई बिल राष्ट्रपति के पास आया, उस पर हस्ताक्षर करें और पढ़कर करें, ऐसा नहीं है कि एकदम ही कर भेज दिए। जो भी बिल आया उसको आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ा, उनकी समझ में आया, उस पर हस्ताक्षर करें और वापस भेज दिया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि राष्ट्रपति महोदय के पास कोई बिल आया, कोई विधेयक आया, उन्होंने पढ़ा और उनकी समझ के हिसाब से वो ठीक नहीं है, तब पुनर्विचार के लिए वो वापस भेज सकते हैं कि आप इसमें दोबारा इस पर सोच विचार करें, तब मेरे पास हस्ताक्षर के लिए भेजें। ये दो कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जो तीसरी कंडीशन है वही है वीटो पावर। मतलब कोई बिल या कोई विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास आया, अगर वो चाहें तो बिना कारण बताए उसको कितने भी समय के लिए अपने पास दबा के रख सकते हैं। मतलब आया, जेब में रख लिया, वो वापस ही नहीं भेजा। कब तक? इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा एक आध बार हुआ भी था, इसकी चर्चा हम कल के वीडियो में आपसे करेंगे, है ना। तो इसी को कहते हैं वीटो शक्ति, किसी विधेयक को अपने पास रख लेना किसी को बिना बताए, और ना ही उसकी जवाबदेही होती है। तो ये होती है दोस्तों वीटो शक्ति, है ना। तो ये राष्ट्रपति महोदय की कुछ इंपोर्टेंट शक्तियाँ थी, इंपोर्टेंट अधिकार थे, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो लगभग लगभग हम लोग राष्ट्रपति का जो